हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज अपने क्वेश्चन नंबर 12 उसके अंदर तीन सम्स है, स्मॉल सम्स, वो गिनने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उसका स्मॉल सम्स सम नंबर है फर्स्ट। सुनना है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कंपनी फोरफिटेड 800 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। कंपनी ने 800 शेयर फोरफिट किए एक शेयर से 10 रुपये का। सबसे पहले 800 शेयर्स एक शेयर से 10 रुपये का, मैंने यहाँ पे 10 रुपया लिख दिया, 800 शेयर फोरफिट किए 10 रुपये का एक शेयर से। आगे लिखा है, अ शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹4। एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है, अलॉटमेंट का था ₹4, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलॉटमेंट 4। अब ध्यान रखो, उसने नहीं भरा है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। शेयर होल्डर 800 शेयर्स था, अलॉटमेंट का ₹4 नहीं भरा है, अलॉटमेंट के आगे मैंने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है, एंड कॉल मनी 3 पर शेयर। अच्छा, 800 शेयर्स के पीछे अलॉटमेंट और कॉल मनी ₹3 भी उसने नहीं भरा है। सब में ऐसा लिखा है, 800 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट का ₹4 और कॉल मनी ₹3 नहीं भरे, उसके आगे मैंने कैंसिल किया। नेक्स्ट सम है उसी के अंदर, दी शेयर होल्डर हैड पेड, ध्यान रखना पेड है, 3 पर शेयर्स विथ एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन के साथ ₹3 भरे हुए है। तो एप्लीकेशन के साथ उसने ₹3 पे किए हुए है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, एप्लीकेशन के साथ उसने ₹3 पे किए हुए। नेक्स्ट है, दिस शेयर होल्डर हैड पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, फोरफिटेड शेयर्स वेयर री इश्यू, कंपनी ने वो शेयर फोरफिट किए और री इश्यू किया है 8 पर शेयर्स, और वो शेयर्स जो है कंपनी ने री इश्यू का मतलब किसी और को बेचा ₹8 से। अब अपने इसकी फोरफीचर की एंट्री करनी है। सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री में ये होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 800 शेयर्स, एक शेयर्स की वैल्यू थी ₹10, 800 × 10, यहां पे मैं लिखता हूं शेयर कैपिटल में 8000। उसके बाद उसने जो पैसा नहीं भरा है उसका नाम आएगा, उसने दो पैसे नहीं भरे, नंबर एक अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है, नंबर दो फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है। ध्यान रखना है, अलॉटमेंट का उसने ₹4 नहीं भरा है और फाइनल कॉल का उसने ₹3 नहीं भरा है। तो जो पैसा नहीं भरा है उसका नाम आएगा 800 शेयर्स, ये भी 800 शेयर्स, अलॉटमेंट नहीं भरा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का 4 था, फाइनल कॉल का 3 था। जो पैसा नहीं भरा है उसका नाम 800 × 4, 3200, 800 × 3, 2400। ध्यान रखना है, जो पैसा नहीं भरा था उसका नाम लिख दिया मैंने, अलॉटमेंट 800 में 4 से ₹4 नहीं भरा था अलॉटमेंट का, फाइनल कॉल का 3 नहीं भरा था। अब इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, ये 8000 माइनस 3200 माइनस 2400, ये माइनस ये करेंगे तो फोरफीचर की अमाउंट आएगी, 8000 में से ये दोनों माइनस करो तो फोरफीचर की अमाउंट आएगी 2400। ये हो गई फोरफीचर की एंट्री। अब यही शेयर कंपनी ने रीइश्यू किए हैं, रीइश्यू क्या भाव से किया है, सब में लिखा हुआ है, 8 रुपये से रीइश्यू किया है, यहाँ पे लिखा था रीइश्यू किया है 8 रुपये। रीइश्यू करते हैं तो पैसा आएगा 800 शेयर्स इंटू 8, 6400, कैपिटल में 800 शेयर्स, एक शेयर ₹10 का है, 800 × 10, 8000। अब ये दोनों सेम है, नहीं सेम है, इधर 6400 है, इधर 8000 है, 8000 माइनस 6400 जो भी बैलेंस आएगा 1600, ये बैलेंस फोरफीचर में चला जाएगा। अब लास्ट एंट्री, फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ध्यान रखना है, फोरफीचर में से फोरफीचर माइनस करना है, यहाँ पे ध्यान रखो फोरफीचर में है 2400, यहाँ पे 2400, ये फोरफीचर की अमाउंट 2400, यहाँ शेयर फोरफीचर की अमाउंट 1600, 2400 माइनस 1600, ये माइनस ये करेंगे 800 आएगा। सम पूरा हो गया, ये सिंपल सम था फोरफीचर का। अब 12th का सम नंबर है सेकंड।
आरके लिमिटेड फोरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है, उसने 600 शेयर्स ₹10 का एक शेयर है फोरफिट किया है। आगे लिखा है, नाम है उसका सुनील, सुनील हैड पेड, ध्यान रखना पेड यानी भरा है पैसा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹5। उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दोनों मिला के ₹5 पे किया हुआ है, भरा हुआ है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ₹5 पे किया है। नेक्स्ट है, बट हैड नॉट पेड ₹3 पर शेयर एंड ₹2 पर शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, सेकंड कॉल नहीं भरा है, ₹3 और ₹2 नहीं भरा है। उसने फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल कॉल का ₹2 नहीं भरा है। नहीं भरा है आगे कैंसिल कर दो, जो पैसा नहीं भरा है उसके आगे कैंसिल कर दो। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, जो 600 शेयर फोरफिट किए उसमें से 400 शेयर वेयर रीइश्यू, ध्यान रखना है शेयर फोरफिट किए हैं 600, रीइश्यू किए 600 नहीं रीइश्यू किए, 400 ही रीइश्यू किया है, 6 पर शेयर ₹6 से उसने रीइश्यू किया है। अब 600 शेयर फोरफिट किए, रीइश्यू किए हैं 400, भाव है 600। चलिए पहले फोरफिचर की एंट्री देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल कम हो जाती है। 600 × 10 600 × 10 कैपिटल में आएगा 6000। फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, फर्स्ट कॉल 600 शेयर्स, फाइनल कॉल भी नहीं भरा है 600 शेयर्स इंटू फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था, ₹3 का था, फाइनल कॉल कितने का था, ₹2 का। जो पैसा नहीं भरा है, जिसके आगे चौकड़ी है उसका नाम लिखने का, फर्स्ट कॉल नहीं भरा था तो फर्स्ट कॉल का नाम लिख दिया, फाइनल कॉल नहीं भरा था तो फाइनल कॉल का भी नाम लिख दिया। 600 × 3 फर्स्ट कॉल में 1800, 600 × 2 फाइनल कॉल में 1200, 6000 − 3000 इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, ये अमाउंट आएगी 3000। अब रीइश्यू, 600 शेयर फोरफिट किया है पर रीइश्यू किया है 600 नहीं किया है, सिर्फ 400 ही किए हैं। क्या भाव से किया है, 400 शेयर 6 रुपये के हिसाब से, तो पहले 400 × 6 रीइश्यू करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आता है, 400 × 6 2400, कैपिटल में 400 × 10 4000, 4000 − 2400 4000 में से ये 2400 को माइनस करो, अमाउंट आएगी 1600। अब लास्ट एंट्री फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल यूजर अकाउंट, खास ध्यान रखना है। अब फोरफिचर, ये जो 3000 दिया हुआ है ये 3600 शेयर्स का है, अपने ने 600 शेयर रीइश्यू नहीं किया है, सिर्फ 400 रीइश्यू किया, और ये जो 1600 है फोरफिचर में ये 400 शेयर का है, और ये जो है 3000 वो जो 3000 है वो 600 शेयर का है, दोनों सेम शेयर है नहीं, ये सारी चीजें जो है वो 600 शेयर की है, ये सारी चीजें है 400 शेयर की, तो इसको ये 3000 को 400 शेयर में कन्वर्ट करने का एक स्टेप रखेंगे। 600 शेयर्स का 3000 होता है तो 400 शेयर्स का कितना होगा, फिर से 600 शेयर का फोरफिचर 3000 होता है, अपने ने 600 शेयर फोरफिट रीइश्यू नहीं किया, 400 किया तो 400 शेयर का कितना, ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये करना है, तो आएगा 400 × 3000 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू, यहां अमाउंट आएगी 2000। ये जो 2000 अमाउंट आई, ये 2000 जो है वो 400 शेयर्स की आई, तो यहां पर अपने को यहां 2000 लिखना है, ध्यान रखना है यहां 3000 नहीं लिखना है, ये 3000 तो 600 शेयर्स का था, रीइश्यू किया है 400 शेयर्स, तो ये 2000 आया वो 400 शेयर्स का है। अब 2000 400 शेयर का आया और ये 1600 भी 400 शेयर का है, तो 2000 − 600 1600, 2000 − 1600 आएगा 400। चलिए सेकंड सम भी हो गया, अब नेक्स्ट सम, सम नंबर है 3। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर होल्डर है उसके पास 3000 शेयर्स थे ₹10 ईच,
हैज पेड, एप्लीकेशन मनी, हैज पेड लिखा है, पेड का मतलब भरा है पैसा उसने, एप्लीकेशन मनी 13 परचेज इंक्लूडिंग प्रीमियम 10। एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के साथ 13 रुपीज पे किया हुआ है, प्रीमियम के साथ, प्रीमियम है 10 रुपया तो 13 माइनस 10 3 रुपीज आएगा। शेयर होल्डर के पास थे 3000 शेयर्स तो 3000 मैंने यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट एंड अलॉटमेंट मनी 13 पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम 10। अब अलॉटमेंट भी 13 रुपीज का है, प्रीमियम के साथ है, प्रीमियम 10 रुपीज, 13 माइनस 10 अलॉटमेंट हो गया 3 रुपीज का। पेड बोला है तो मैं राइट करता हूं, उन्होंने ये पैसे पे किए हुए हैं। नेक्स्ट है हिज शेयर वेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल 4 परसेस, उसके शेयर फोरफिट किए, उसने कॉल का पैसा भरा नहीं है, 4 रुपया जो कॉल है सब में नहीं लिखा है तो मैं फाइनल कॉल लिख रहा हूं, प्रीमियम का कुछ नहीं बोला है, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, उसने पैसा कौन सा नहीं भरा है, फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल के आगे कैंसल। नेक्स्ट है फोरफिटेड शेयर वेयर री इश्यू 7 परसेस, और ये जो फोरफिटेड शेयर है वो उसने री इश्यू किए हैं। अब फोरफीचर की एंट्री, कितने शेयर फोरफिट किए, 3000, कितने रुपये कैपिटल है, 10, तो 3000 × 10 30000। अच्छा कौन सा पैसा नहीं भरा है उसने, फाइनल कॉल का, तो शेयर इंस्टॉलमेंट उसकी जगह मैं यहाँ पे फाइनल कॉल लिख देता हूँ, 3000 शेयर्स, कॉल कितने का था, 4 रुपये का, 3000 × 4 12000, 4 रुपया उसने नहीं पे किया है तो फाइनल कॉल 3000 × 4। अब ध्यान रखना है प्रीमियम भी है, अब एक ही चीज माइंड में क्लियर रखने की, उसने प्रीमियम पे किया है कि नहीं किया है। देखिए प्रीमियम ये दोनों में था, दोनों के पैसे उसने पे किए, भरे हुए हैं। अगर प्रीमियम पे किया है, भरा हुआ है, तो प्रीमियम कहीं लिखने का नहीं फोरफीचर में, क्यों, ऑलरेडी उसने प्रीमियम के पैसे भर दिए। और अपना रूल है जिसके आगे कैंसिल लिखा हो, किसके आगे कैंसिल है, फाइनल कॉल के आगे, तो फाइनल कॉल लिखेंगे तो प्रीमियम आएगा नहीं। नेक्स्ट तो इसमें से 30000 में से 12000 माइनस करो, 30000 माइनस 12000 अमाउंट आएगी 18000। अब ये फोरफिटेड शेयर्स री इश्यू किया है, क्या भाव से री इश्यू किया है चेक कर लेते हैं, 7 रुपये से, तो यहाँ पे री इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा 3000 × 7 21000। कैपिटल में 3000 शेयर्स, 10 रुपये का शेयर है तो यहाँ पे आएगा 30000, 30000 माइनस 21000, 30000 में से 21 माइनस करो, बैलेंस आएगा 9000, 30000 माइनस 21000 9000। अब फोरफीचर में यहाँ पे 18000 है, यहाँ पे 9000 है, तो फोरफीचर में 18000 माइनस 9000, फोरफीचर में से ये फोरफीचर में से ये फोरफीचर माइनस किया जाता है, 18000 माइनस 9000 अमाउंट आएगी आंसर में 9000, यहाँ पे आएगा 9000। चलिए ये 12th का तीनों सम अपने जो स्मॉल सम्स थे अपने पूरे हो गए हैं।